उन्होंने सवाल भेजे हैं। आर्यन सोनकर हैं एमपी से, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के 500 शेयर हैं इनके पास, ₹71.80 के भाव पर। कुणाल जी क्या करना चाहिए इनको? विष्णु मोहन जी, अगर इस काउंटर को देखें तो इसमें रैली तो बहुत ही अच्छी हमने देखी, बट इनफैक्ट सितंबर से लेके अब तक ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए काउंटर साइडवेज कंसोलिडेशन में है। और इसके अगर सपोर्ट की बात करें तो 67 का सपोर्ट आता है और रेजिस्टेंस अराउंड 80 लेवल्स का है। काउंटर इसी के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर थोड़ी होल्डिंग कैपेसिटी हो तो डेफिनेटली इस काउंटर में बने रह सकते हैं, बिकॉज साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद एक पॉजिटिव रुझान शुरू होने की पूरे पूरी आशंका है। सो 67 के स्टॉप लॉस से इस काउंटर में बने रह सकते हैं। और इसमें अगर ब्रेकआउट की बात करें तो 81 का ब्रेकआउट है, 81 के ऊपर आई थिंक हमें 95 तक के लेवल्स फिर से हमें देखने मिल सकते हैं। ओके, यानी 85 के ऊपर जाता है तो ब्रेकआउट लेवल है, तो ऊपर 95 तक भी जा सकता है, लेकिन इस ट्रेड में आपको 67 का स्टॉप लॉस। सुजीत हैं झारखंड से, सुजीत जी पूछिए क्या सवाल है आपका। सर, मैंने आवास फाइनेंसियर का शेयर लिया है, 20 शेयर। सर ओके, किस भाव पे लिया है आपने, जी किस भाव पे लिया और कब लिया था आपने? 1700 रुपया में लिया सर, और ओके यही कोई 5-10 दिन पहले लिया था। ओके, 5-10 दिन पहले लिए थे, लेकिन जिस तरह से डाउन ट्रेंड में पूरा स्टॉक चल रहा है, आज भी 2% कमजोर है, 5 दिनों में देखे तो 8% टूटा है भाव, 20% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है महीने भर में। कुणाल क्या लग रहा है स्टॉक को, देखिए 5 दिन पहले इन्होंने लिया था, वहां से गिर ही रहा है, क्या रिकवरी आएगी यहाँ पे आवास फाइनेंशियर्स? सी, अगर हम ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करें तो इस काउंटर में कुछ एज ऑफ नाउ कोई मैसिव फॉर्मेशन नहीं है। इनफैक्ट जो रीसेंट करेक्शन आया उस करेक्शन में वॉल्यूम भी बहुत ही ज्यादा देखने मिले हैं। सो आई थिंक यहाँ पे हमारे व्यूअर को एक कॉशियस अप्रोच ही करना होगा। अगर कंफर्टेबल है तो एक बार इस काउंटर से निकल जाए, बिकॉज मुझे इस काउंटर के चार्ट में कहीं भी कुछ पॉजिटिविटी एज ऑफ नाउ लग नहीं रही है। इनफैक्ट सपोर्ट की बात करें तो भी यहाँ पे कहीं सपोर्ट नहीं दिख रहा है। सो अगर आई मीन ऑन अ डेड कैट बाउंस प्रोबेबली यहाँ पे एक एग्जिट लेने की सलाह बनेगी। और इसके सामने अगर कोई अच्छा काउंटर लेना हो तो मुझे सिटी यूनियन बैंक इस लेवल पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिकॉज फाइनेंशियल्स की बात चल रही है तो इसलिए मैं ये रेकमेंड कर रहा हूँ। सिटी यूनियन बैंक प्रेजेंट लेवल पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई थिंक 135-131 के स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग की जा सकती है। 150 तक के लेवल्स हम इसमें एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपको यहां पर सिटी यूनियन बैंक में निवेश करने की सलाह, यहां पर एंट्री करें।